धन्यवाद श्री सुरेंद्र कुमार जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने विशेष मुद्दे बोलने का मुझे आदेश किया। मैं आज दिल्ली सरकार के जो विधायकों खरीदने की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दिल्ली में, दिल्ली का जो विकास मॉडल है इस देश में नहीं दुनिया के देशों में दिल्ली के विकास की चर्चा की जाती है, और हम नहीं पूरे देश के लोग कहते हैं कि दिल्ली के जो सीएम है वो इस विश्वविख्यात मुख्यमंत्री हैं। तो निश्चित तौर से दिल्ली में एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जो दिल्ली के विकास के प्रति एक जन को जो लाश का इस देश का जो पायदान पर खड़ा व्यक्ति के लिए जो सहयोग देने की बात रखी। आज दिल्ली के विकास मॉडल की चर्चा हमारे दिल्ली की जनता करती है, जिसमें बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, तमाम चीजों पर चर्चा की जाती है। आज दिल्ली सरकार प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को कम से कम 15,000 रुपये महीने का निश्चित तौर से परिवार को सहयोग देने का काम कर रही है। जैसे एक परिवार में दो पेंशनधारी है तो 2,500-2,500 5,000 रुपये हो जाते हैं, उसके साथ हम चलते हैं 3,000 का बिजली का बिल माफ होता है, 2,000 पानी का बिल माफ किया जाता है, उसके साथ में यदि उस परिवार में एक महिला यदि सर्विस करती है और वो आईटीओ पर जाती है या सेंटर सेक्टर जाती है, उसके आने जाने का जो खर्च है करीब 6,000 रुपये है। तो एक बार मैं चुनाव में अभी पीछे जा रहा था, जब आपके ये एमसीडी का चुनाव था तो हम चुनाव में थे तो हमने वोट मांग रहे थे, तो एक भाजपा के मंडल अध्यक्ष वहां से घर से निकली, वो कहने भैया इस बार तो मुझे केजरीवाल जी को वोट देना है। मैंने कहा आपके तो घर के सामने ये तो फर्जी लगा हुआ है, मैं दिल से कह रही हूं, अपनी बच्चों की कसम खा कह रही हूं, इस बार मैंने एमसीडी में अरविंद केजरीवाल जी को मैंने वोट देना है। तो निश्चित तौर से हमने पूछा क्यों, कि भैया मुझे 6,000 की बचत मिली, मेरे सास को, मेरे ससुर को 2,500 ये मिलते हैं, और मैं अपने बच्चों की और अपने परिवार के बुजुर्गों की दवाई जब मोहल्ला क्लिनिक जाती तो 500-700 रुपए की दवाई मैं पहले खरीदती थी, और वो मुझे फ्री मिलने का काम होने का काम किया मोहल्ला क्लिनिक से। ये तमाम बिजली का उन्होंने बताया अपना बिल, तो उन्हें कहा कि मुझे 18,000 से लेकर 20,000 की बचत मुझे प्रत्येक मेरे परिवार को दिल्ली सरकार के द्वारा दी जा रही है, उसके साथ में राशन फ्री मिलने का भी काम बताने का काम किया। तो आपसे मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर से आज हमारी दिल्ली सरकार प्रत्येक दिल्ली के नागरिकों के परिवार को 15,000 से लेकर 20,000 का जो बेनिफिट दे रही है, ये दिल्ली की नहीं पूरे देश की एक ऐसी सरकार है जो निश्चित तौर से इस बात को साबित करती है कि देश में भारत संविधान को मानने वाली सरकार पहली बनी है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान को मानने वाली सरकार मिली है, जिसमें हमें मौलिक अधिकार मिला है, रोजी रोटी, कपड़ा मकान, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, ये चीजें हमें इस संविधान के तहत मिली है। इस संविधान के मौलिक अधिकार देने वाला पहला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हमें मिले हैं, इसलिए इस देश की जनता उनको आशीर्वाद देना चाहती है। अभी हमारे यहां से करीब हर हफ्ते हमारे यहां से तीर्थ यात्रा की बस जाती है, जब उधर से आती है तो घर पर धन्यवाद देने आती है, मिठाई का डिब्बा देने आती है, भैया इस बार मैंने अरविंद केजरीवाल जी को आम आदमी पार्टी को वोट देनी है। हम उनको कहते हैं एक व्यक्ति यदि रामेश्वर जा रहा है, पुरम जा रहा है या द्वारका दी जा रहा है, कम से कम 1,00,000 रुपये खर्चा होता है, 5 स्टार जैसी उसको सुविधा दी जाती है। जैसे तीर्थ यात्री बस में बैठता है, यहां से जाता है, उसके बाद में फिर वो ट्रेन में बैठता है, ट्रेन से वे गाड़ी लेने जाती है, 5 स्टार जैसा होटल मिलता है, 5 स्टार जैसे उनको वीआईपी उनको खाना मिलता है। तो निश्चित तौर से मैं उनको कहता हूं कसम खा लेना, नहीं कसम तो हम क्या काम थे, ऐसी जगह से होकर आए जहां हमें अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली के लाल ने हमें तीर्थ यात्रा दिखाने का काम ना मेरा बेटा दिखा सकता था ना मेरा पति दिखा सकता। मैं तो ऐसे मुख्यमंत्री को धन्यवाद देती हूं कि निश्चित तौर से वो सदैव देश के प्रधानमंत्री बने। तो आपसे मेरा कहने का तात्पर्य है,
आज हमारी सरकार जो हमारे फरिश्ता योजना है, मेरा एक सगा भतीजा एक्सीडेंट में एक्सपायर हुआ, उस पर 90 लाख रुपए दिल्ली सरकार ने देने का काम किया। तो मैं ऐसी सरकार को का धन्यवाद देता हूं, आदरणीय केजरीवाल जी का धन्यवाद देता हूं, जो कि इस मानवता हित कल्याण के लिए और यहां के जो मौलिक अधिकार की बात करी है। तो निश्चित तौर से आज भारतीय जनता पार्टी ऐसे जो कार्यों को देखकर, ऐसे विकास मॉडल को देखकर आज वो घबरा गई है, और निश्चित तौर से आने वाला समय आम आदमी पार्टी का होगा और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी बनने जाएंगे। ये हर इस देश के प्रत्येक नागरिक की चाहत है, प्रत्येक मतदाता की चाहत है, प्रत्येक व्यक्ति की चाहत है कि देश का मुख्यमंत्री भी अरविंद केजरीवाल जी बने, क्योंकि दिल्ली के विकास मॉडल को प्रत्येक प्रदेश के लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी दिल्ली सरकार की जैसे हमें सुविधा मिले, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री। तो इन शब्दों के कहते हुए आज निश्चित तौर से हमारे विधायक को खरीदना चाहती है, तोड़ना चाहती है। तो एक विधायक को यदि 50-50-100 करोड़ भी देंगे तो भी एक विधायक टूटने वाला नहीं है, क्योंकि हम एक ईमानदार सरकार के साथ के हम ईमानदार पार्टी के हम सहयोगी हैं, उनके सदस्य आम आदमी पार्टी के हम विधायक हैं। तो एक भी विधायक टूटेगा नहीं, यदि मुझे 200 करोड़ 1000 करोड़ भी देंगे तो भी हम टूटने वाले नहीं, क्योंकि हम अरविंद केजरीवाल जी को सहयोग देने वाले हैं, उनका साथ निभाने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मेरा नमस्कार, सभी को जय भीम।